केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2030 से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बिकेगी। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने तरह तरह के प्लान्स और सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चुनौती है। अब सरकार इसके लिए रोड मैप तैयार कर रही है। सरकार की योजना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएं। इसके तहत पूरे देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। तो मेरा नाम है मुस्कान चौरसिया और आप देख रहे हैं द इंडिया इनसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार बिजली की गतिशीलता और लोगों को प्रेरित करने के लिए देश भर में लगभग 69,000 पेट्रोल पंप पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कियोस्क स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार राज्य के ओनरशिप वाले रिफाइनरों के सभी कंपनी एवं कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क स्थापित करना अनिवार्य करने की सोच रही है। सूत्रों के अनुसार ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने तेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे सभी पेट्रोल पंप पर चार्जिंग कियोस्क स्थापित करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अपनी तेल विपणन कंपनियों के लिए एक आदेश जारी करें। अन्य फ्रेंचाइज पेट्रोल पंप संचालकों को अपने ईंधन स्टेशनों पर कम से कम एक चार्जिंग कियोस्क रखने की सलाह दी जा सकती है। इसके देश से सभी पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग सुविधा हासिल करने में मदद मिलेगी। तेल मंत्रालय के नए गाइडलाइंस के तहत नए पेट्रोल पंपों में एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स होना चाहिए। अधिकांश नए पेट्रोल पंप वैकल्पिक ईंधन विकल्प के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग सुविधा का विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत फर्क तभी पड़ेगा जब मौजूदा पेट्रोल पंप भी ईवी चार्जिंग कियोस्क स्थापित करेगी। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक देश में फिलहाल करीब 69,000 पेट्रोल पंप है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग की सुविधा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि इस तरह के बुनियादी ढांचे की कमी लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से हतोत्साहित करती है। बिजली मंत्रालय ने दिल्ली व एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बड़ौदा और भोपाल पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है, ताकि शहरों के साथ साथ राजमार्गों पर भी लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री का विचार है कि किसी भी शहर में 2 या 3 चार्जिंग स्टेशन लगाने से धन की बर्बादी होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन को देख रही है, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। वहीं सरकार के लिए ईवी की टर्न अराउंड टाइम एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कार के पेट्रोल पंप पर आने और फ्यूल भरवा कर निकलने में 2 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की फास्ट चार्जिंग में भी कम से कम 20 मिनटों की जरूरत है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो अब देखते हैं कि सरकार इन सभी चुनौतियों को कैसे निपटेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।